हेलो फ्रेंड्स, एम के भाई टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉक सीरीज की पांचवी वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं चार वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, चौथे वीडियो में जो है हमने 86 क्वेश्चन नंबर जो है क्लियर कर लिए थे, और 86 नंबर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन का आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। दोस्तों, 86 नंबर का क्वेश्चन जो था ये है आपका, निम्न में से किस चिन्हन माध्यम का प्रयोग ढलवा व पिटवा सतह पर किया जाता है। तो दोस्तों, ढलवा व पिटवा सतह पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए चाक पाउडर, बी पर्शियन ब्लू, सी कॉपर सल्फेट, डी सेलुलोस लेकर। तो दोस्तों, ढलवा और पिटवा सतह पर कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चाक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पर्शियन ब्लू की बात करें तो ये सूखने में अधिक समय लेता है, और कॉपर सल्फेट जो होता है ये जहरीला होता है। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ढलवा व पिटवा सतह पर चाक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसे वाइट वाश अथवा सफ़ेदी भी कहा जाता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन बताया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए गए बी ब्लॉक में एक्स से लेबल भाग का उद्देश्य बताइए। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र बनकर आया है, ये बी ब्लॉक का चित्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक्स लिखा है और इस एक्स वाले भाग का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके ए माप लेने के लिए, बी कोण बनाने के लिए, सी क्लैंप करने के लिए, डी सहारा देने के लिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लैंप करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये जो होते हैं आपके ये ग्रूव होते हैं, और यहीं से आपका यू क्लैंप जो है इस तरीके से जुड़ा होता है, यहाँ पर यू क्लैंप, और वहाँ पर जो है हमारी वस्तु को क्लैंप करने के लिए, जॉब को क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है 88 नंबर में, चित्र में दर्शाए गए बी ब्लॉक का नाम बताइए। यहाँ पर दोस्तों, एक चित्र आपके सामने बी ब्लॉक का आया है। तो दोस्तों, बी ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। और वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पूछा गया चित्र में दर्शाए गए बी ब्लॉक का नाम बताइए। तो दोस्तों, जो ये आपका बी ब्लॉक है इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन है ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, बी सिंगल लेवल डबल ग्रूव, सी डबल लेवल सिंगल ग्रूव, डी डबल लेवल डबल ग्रूव। तो दोस्तों, ये जो हमारा बी ब्लॉक यहाँ पर दर्शाया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो वी टाइप का खांचा होता है इसे हम कहते हैं लेवल, इसे हम लेवल कहते हैं, और ये जो हमारे खांचे कटे होते हैं इनको हम ग्रूव कहते हैं। तो दोस्तों, इसके हिसाब से इसमें लेवल कितने कटे हुए हैं? एक, और ग्रूव कितने कटे हुए? दो, क्योंकि ग्रूव जो होते हैं दोस्तों वो एक तरफ के ही गिने जाते हैं। तो दोस्तों, जो बी खांचा होता है उसे हम लेवल कहते हैं, और जो ये हमारे खांचे कटे होते हैं इनको ग्रूव बोला जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल लेवल डबल ग्रूव बी ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन है, पूछा गया है चित्र में दर्शाए गए बी ब्लॉक का नाम बताइए। यहाँ पर आपके सामने ये चित्र आ गया है। अब इस चित्र का नाम आप आसानी से बता पाएंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया था। तो यहाँ पर जो है आपके, हमने बताया था कि ये जो होते हैं आपके वी टाइप के, ये होते हैं इन्हें हम लेवल कहते हैं, और ये जो होते हैं हमारे ग्रूव होते हैं। ग्रूव एक तरफ के ही गिने जाते हैं, दोनों तरफ के नहीं गिने जाते हैं।
और लेवल दोनों तरफ के गिने जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, बी सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक, ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ऑप्शन डी डबल लेवल डबल ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल कितने हैं, लेवल हैं हमारे दो लेकिन ग्रुप हमारा एक ही है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होता है हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर। चित्र में दर्शाए गए उपकरण द्वारा बड़े चाप और वृत्त खींचे जाते हैं, पहचान कीजिए। यहाँ पर आपके सामने ये एक चित्र आ गया है और इस चित्र से पूछा गया है कि इसका उपयोग जो है बड़े वृत्त और चाप खींचे जाते हैं इसके द्वारा, तो इसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है ए डिवाइडर, ऑप्शन बी ट्रेमल, ऑप्शन सी डिस्क्राइबर, ऑप्शन डी सरफेस गेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये चित्र है ये किसका दर्शाया गया है, तो ये हमारा है ट्रेमल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रेमल के द्वारा दोस्तों 6 फुट और 72 इंच अर्धव्यास तक के जो है हमारे वृत्त या चाप लगाए जा सकते हैं। 91 क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है चित्र में दर्शाई गई टेबल पर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। दोस्तों ये जो टेबल दी गई है बताया गया है कि इस पर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है एंगल प्लेट, ऑप्शन बी सरफेस प्लेट, ऑप्शन सी बी ब्लॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हमारी दर्शाई गई है ये है हमारी सरफेस प्लेट, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 92 नंबर, पूछा गया है कि चित्र में दर्शाई गई एंगल प्लेट को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है, इसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एंगल प्लेट होती हैं हमारी कई प्रकार की होती हैं, बॉक्स टाइप की एंगल प्लेट होती हैं, सॉलिड एंगल प्लेट होती हैं, तो ये एंगल प्लेट जो दर्शाई गई है इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है ठोस एंगल प्लेट, ऑप्शन बी बॉक्स एंगल प्लेट, ऑप्शन सी स्विवल बेस एंगल प्लेट और ऑप्शन डी है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि इस जो एंगल प्लेट है इसको किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है, तो ये किस प्रकार की हमारी एंगल प्लेट है, तो ये है हमारी स्विवल बेस एंगल प्लेट। चित्र को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसे हम किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। ये हमारा फ्लैंज प्लेट लगी हुई है, फ्लैंज पाइप है और यहाँ पर ये फ्लैंज एंगल प्लेट है, ये हमारी जो है एंगल प्लेट है, इसको किसी भी कोण पर हम झुका सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93 नंबर। चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर की पहचान करनी है। दोस्तों ये जो आपके सामने चित्र आया है इसमें आपको स्क्राइबर की पहचान करनी है। दोस्तों स्क्राइबर कई प्रकार के हैं, जैसे कि ऑप्शन में लिखा ही है पॉकेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर। दोस्तों जो आपका ये स्क्राइबर है, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की मैकेनिज्म दिया गया है और इसके द्वारा यहाँ पर से इसको एडजस्ट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एडजस्टेबल स्क्राइबर। चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबरों में से पॉकेट स्क्राइबर की पहचान कीजिए। दोस्तों ये कुछ स्क्राइबर आपके सामने आए हैं, इनमें से आपको पॉकेट स्क्राइबर का चित्र जो है पहचानना है। ए है बी सी डी। तो यहाँ पर जो हमारा पॉकेट स्क्राइबर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है हमारा पॉकेट स्क्राइबर, इसको पॉकेट स्क्राइबर कहते हैं। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये हमारा नर्लिंग की गई है इसमें, ये हमारा सिंपल स्क्राइबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 डिग्री एवं 90 डिग्री में उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों इस पंच का नाम, इस पंच का जो है कि आपको पहचान करनी है कि ये जो पंच है हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों कोणों में इसका पॉइंट होता है और इसका प्रयोग फाइन व सही मार्किंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है ए ड्रिफ्ट पंच, बी बेल पंच, सी ऑटोमेटिक पंच, डी सेंटर पंच। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये पंच किस प्रकार का पंच दर्शाया गया है, तो ये है हमारा ऑटोमेटिक पंच, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका जो कोण होता है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों में मिलते हैं ये, और इसका प्रयोग फाइन तथा सही मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96 नंबर, चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोई रेखा होती है, कोई भी हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है घंटी नुमा पंच, ऑप्शन बी प्रिक पंच, ऑप्शन सी डॉट पंच, ऑप्शन डी सेंटर पंच। तो दोस्तों मार्किंग रेखाओं को पक्का करने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पिन पंचों का प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है। पिन पंच निम्न के सेट में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों पिन पंच जो होते हैं कितने सेट में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन ए है 5 पिन, ऑप्शन बी 6 पिन, ऑप्शन सी 10 पिन, ऑप्शन डी 12 पिन। तो दोस्तों पिन पंच जो होते हैं वो हमारे 5 पिनों के सेट में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, पूछा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डायमेंशन ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी समकोण जांच के लिए, ऑप्शन सी जबकि ट्रोइंग के लिए, ऑप्शन डी रेखांकित करने के लिए। तो दोस्तों यूनिवर्सल सरफेस गेज ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स सरफेस गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो दोस्तों यूनिवर्सल सरफेस गेज को हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक भी इसे कहते हैं हम, इसे हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज को। तो दोस्तों इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जाब की ट्रोइंग के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्रोइंग क्या होती है दोस्तों, किसी भी जाब को सेंटर में पकड़ने को क्या ही क्या कहा जाता है, ट्रोइंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है वजन से, ऑप्शन बी लंबाई से, ऑप्शन सी नंबर से, ऑप्शन डी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। तो दोस्तों एंगल प्लेट का जो माप है यानी कि जो साइज है वो हमारा व्यक्त किया जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, चित्र में दर्शाए अनुसार किस युक्ति के द्वारा जाब में लेआउट रेखाएं खींची जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों ये लेआउट रेखाएं खींची जा रही हैं, तो इस युक्ति का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है स्क्राइबर, ऑप्शन बी स्क्राइबर, ऑप्शन सी चीजल, ऑप्शन डी पेंसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्राइबर के द्वारा जो है लेआउट रेखाएं खींची जा रही हैं। यहाँ पर स्क्राइबर से संबंधित कुछ बातें हम आपको बता दे रहे हैं कि स्क्राइबर का जो यहाँ पॉइंट होता है, इस पॉइंट का कोण होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक, इसका स्क्राइबर का पॉइंट एंगल रखा जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है कि स्क्राइबर से रेखाएं खींचते समय स्क्राइबर और सरफेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। तो ये एंगल रखा जाता है हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री तक रखा जाता है। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसकी मोटाई जो होती है 3 से 5 मिलीमीटर होती है और लंबाई जो होती है वो 6 इंच से 8 इंच तक होती है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए स्क्राइबर की पूरी है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 101 नंबर पूछा गया है कि चित्र में दर्शाई गई सरफेस प्लेट में एक्स से लेबल भाग को पहचानिए। यहाँ पर आपके सामने एक ये चित्र आया है, तो इसमें जो एक्स से लेबल जो ये आपके हैं, ये सरफेस प्लेट के निचला हिस्सा दर्शाया गया है, ऊपरी हिस्सा तो नीचे है, ये सरफेस प्लेट का निचला हिस्सा दर्शाया गया है। तो इसमें जो एक्स से ये इस तरीके की जो बनी है आपकी क्रॉस में, इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए जिग, बी रिम, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी स्ट्रेट। तो दोस्तों इन्हें हम कहते हैं रिब। दोस्तों ये जो रिब होती हैं, यानी कि रिब ये इंग्लिश का शब्द है और रिब का मतलब होता है पसलियाँ। दोस्तों रिब किस लिए बनाई जाती हैं? रिब इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हमारी सरफेस प्लेट में जो है डिस्टोर्शन यानी कि विरूपण, उसकी आकृति में परिवर्तन ना हो, तो इनको हम रिब्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर, चित्र में दर्शाए गए पंच को पहचानिए। यहाँ पर आपके सामने ये चित्र आया है, पूछा गया है कि इस चित्र की पहचान कीजिए। ये एक प्रकार का पंच है आपका, तो ऑप्शन ए है पिन पंच, ऑप्शन बी है खोखला पंच, ऑप्शन सी है बैड पंच, ऑप्शन डी है डॉट पंच। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये है हमारा बैड पंच। दोस्तों बैड पंच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जैसे लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, प्लास्टिक, रबर, रबर आदमी बड़े व्यास के छेद करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि बड़े व्यास के छेद, बड़े छेद करने के लिए, बड़े व्यास के छिद्र करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैड पंच का प्रयोग किया जाता है। वैसे छोटे छोटे होल जो हमारे हालो पंच के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बड़े आकार के जो है हमारे जो वृत्त हैं या बड़े आकार के सुराख जो हैं हमारे काटे जाते हैं बैड पंच। तो ये हमारा एक प्रकार का बैड पंच जो है दर्शाया गया है, ये हमारा बैड पंच है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया कि एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती है। तो दोस्तों एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती है? ऑप्शन ए है नट बोल्ट से कसने के लिए, ऑप्शन बी हुक आदि लगाने के लिए, ऑप्शन सी भार कम करने के लिए, ऑप्शन डी जाब को सीधा करने के लिए। तो दोस्तों एंगल प्लेट में जो स्लॉट, जो स्लॉटेड टाइप की एंगल प्लेट होती है, उसमें खांचे किस लिए काटे जाते हैं? नट बोल्ट को कसने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नट बोल्ट को, नट बोल्ट से कसने के लिए जाब को किया जाता है एंगल प्लेट में, स्लॉट इसलिए काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग के लिए इनका उपयोग करते हैं, पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है ये चित्र आपके सामने आया है और इसमें जो है आपकी इनको पहचान करनी है, जॉब की सेटिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन बी है सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन सी है फिक्स्ड टाइप पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो दोस्तों इनका प्रयोग जो है जॉब की सेटिंग के लिए किया जाता है और ये हमारे क्या दर्शाए गए हैं, इन्हीं की पहचान करनी है आपको। तो ये है हमारे सॉलिड टाइप के पैरेलल ब्लॉक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जॉब की सेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हमारा सॉलिड एडजस्टेबल या सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का अगर प्रयोग पूछा जाता है, तो वो प्रयोग क्या होता है? जॉब की सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और ये हमारे सॉलिड टाइप के पैरेलल ब्लॉक दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, पूछा गया चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में राकर आर्म की पहचान कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका सरफेस गेज। राकर आर्म को बताने से पहले सबसे तो इसमें राकर आर्म जो है पूछी गई है। तो दोस्तों चित्र को बहुत ध्यान से देख लीजिए, यही हमारा सरफेस गेज है और इसको हम मार्किंग ब्लॉक कहते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज दिखाया गया है। तो दोस्तों राकर आर्म पूछी गई है, तो राकर आर्म यहाँ पर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी जो है, जो सी करके दिखाई गई है आपकी, यही है हमारी राकर आर्म। देख लीजिए ध्यान से, इसको एकदम बढ़िया तरीके से देख लीजिए। ये जो सी तरीके की थी हमारी, ये यही हमारी राकर आर्म थी। अब मैं इसके सभी एक एक करके भाग के नाम आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो आपका ए करके, जो ए करके यहाँ पर दो दो जगह से ए करके दर्शाई गई हैं,
आपकी एक ये हो गई, एक ये, इनको हम दोस्तों गाइड पिन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम गाइड पिन कहते हैं दोस्तों। रेखाएं खींचने के लिए इन गाइड पिनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, गाइड पिनों के सहारे से ही रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों। ये हमारा स्क्राइबर होता है, और स्क्राइबर किस में पकड़ा जाता है, तो इसको स्नग कहते हैं। ये जो हमारा होता है ये स्नग होता है, और ये क्लाइंपिंग नट होता है। ये जो डी हमारा होता है ये होता है हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, और बी जो है हमारा ये बेस होता है। तो ये सभी इसके पार्ट्स होते हैं, इनको भी आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है चित्र में दर्शाए गए पंच के पॉइंट कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाएं यानी कि स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। ये चित्र आपके सामने आया है, पूछा गया है कि इसका जो पॉइंट कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का, और इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए डॉट पंच, ऑप्शन बी सेंटर पंच, ऑप्शन सी प्रिक पंच, और ऑप्शन डी है पिन पंच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से मैं आपके लिए आगे भी पूरी फिटर थ्योरी से आपके लिए इसी तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है लाता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।